हेलो एवरीवन, आज के दिन में हम ये चार टॉपिक सीखने वाले हैं। पहले नंबर पे है इमेज विजेट, जो कि हम इमेज को ऐप पे दिखाएंगे। पहली रहेगा सिस्टम से दिखाएंगे और दूसरी इमेज जो है वो हम नेटवर्क से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि गूगल हो गया, कुछ भी बाहर वाले जो भी यूआरएल हो गया वहाँ से हम दिखाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर हो गया गेस्चर डिटेक्टर, तीसरे नंबर पर हो गया इंकवेल और चौथी पे हो गया इंक विजेट। तो चलो पढ़ते हैं फटक से कोडिंग की तरफ। और यहाँ पे जाके मैं पहले इमेज लेना चाहूँगा, तो मैं टेक्स्ट विजेट यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है। इसके नीचे मैं यहाँ पे इसके नीचे में दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इसके नीचे में दिखाना चाहूँगा इमेज विजेट। तो पहले मैं नेटवर्क से लेता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट, जैसे देखो डॉट मैंने मारा, यहाँ पर मेरे पास चार ऑप्शन आ गए, एसेट फाइल मेमोरी और नेटवर्क। तो मैं नेटवर्क से लेना चाहूँगा अभी, तो नेटवर्क किया और नेटवर्क क्या मांग रहा है, तो अगर इसको होवर करूँगा तो नेटवर्क एक स्ट्रिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया। और मैं गूगल में जाके कुछ भी इमेज हो, जैसे कि ये इमेज है, इसको ओपन किया और इसका लिंक जो है कॉपी लिंक एड्रेस मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट मारता हूँ और इसको सेव मारता हूँ। तो देखो यार, सेव मारा मैंने, झट से यहाँ पे देखो इमेज आ गया, ये नेटवर्क से इसलिए नेटवर्क इमेज। और मेरे ख्याल में इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि देखते हैं हाइट विथ है कि नहीं। ऑफकोर्स हाइट विथ भी है, तो इसको झट से हमें क्या करता हूँ, हेडर्स नहीं भाई, हाइट हाइट इसको दे देता हूँ मैं 200 और विड्थ दे देता हूँ 200। तो देखो यार, 200 बाई 200 में आ गया, ठीक है। और ये एक्चुअली 200 बाई 200 में, इसको मैं क्या करूँगा, फिट करूँगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फिट, और फिट क्या ले रहा है, ऑफकोर्स बॉक्स फिट ले रहा है। तो और यहाँ पे मैं जाके इसको करूँगा बॉक्स फिट डॉट, जैसे मैं इसको कवर करूँगा देखो ये फुल जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी 200 बाई 200 पे कवर पे, और इसको मैं और भी हमारे पास है, जैसे कंटेन हो गया बॉक्स फिट डॉट कंटेन, इसको सेव मारूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरे ऑप्शन भी दिखा रहे, जैसे मैं बॉक्स फिट डॉट कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे जैसे मैं देखो कंटेन मारा, तो ये मेरे को साइड में दिखा रहा है कि अच्छा इमेज ऐसे ऐसे होगा, बॉक्स कंटेन ऐसा, बॉक्स फिट कंटेन, देख रहे हो। तो ये ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में नेटवर्क इमेज में इतना ही था। और दूसरी इमेज हो गया कि मुझे सिस्टम से चाहिए, तो यानी कि मैं इस ये हमारे जो प्रोजेक्ट है मैं इसमें रखना चाहूँगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से यहाँ पे दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊँगा, तो झट से इसको मैं कवर कर ही देता हूँ, ठीक है, कवर हो गया। और मैं चाहूँगा कि इसके नीचे दिखाए, ठीक है, एक और इसके नीचे दिखाए, तो उसको किया। और मैं हमारा जो डाउनलोड था उसमें एक इमेज था, ओके। अब बार यहाँ पे इसको मैं ट्यूटोरियल्स में लेके गया और टेस्ट प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम है एसेट्स, और इसको फिर से ओपन किया और फिर से यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया आई इमेजेस, और इसके अंदर जाके मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को, मैंने ये प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स फोल्डर बनाया और एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम है इमेज, और उसके अंदर है एप बार, ठीक है। यानी दो फोल्डर मैंने बनाया और एक फाइल। तो हमें झट से ये प्रोजेक्ट में जाना है और पॉप स्पेक डॉट वाई एम एल को ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करके नीचे जाना है, नीचे जाना है और नीचे जाना है, और यहाँ पे ये लाइन नंबर 62 देख रहे हो, लाइन नंबर 62 पे बोल रहा है असेट्स, और यहाँ पे ये कमेंट किया हुआ है, इसको मैं ऑन कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे असेट्स और हमारे पास इमेजेस था उसके अंदर था। अभी देखो ये अगर हटा दोगे ना ये स्लैश, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्लैश का मतलब है इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेव मारूंगा, ठीक है। तो मैंने सेव मार दिया और यहाँ पे ये फिर से डिपेंडेंसी रन हो रहा है। अब इसको मैं रिस्टार्ट मारूंगा, रिस्टार्ट हो गया। अभी देखो फिर से यहाँ पे जाऊंगा और बोलूंगा इमेज डॉट असेट। अब ये असेट में बोल रहा है कि क्या भाई किधर से, मेरे को एक पाथ दे, ठीक है। अब ऐसे इसको खोलूंगा तो ये स्ट्रिंग मांग रहा है जो कि पाथ है हमारा, तो पाथ कहाँ पे है, तो हमारा पाथ यहाँ पे जैसे असेट्स था और एबर था, ये एबर को मैं राइट क्लिक मारूंगा और कॉपी रिलेटिव पाथ करूंगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट मार लूँगा, जैसे मैं इसको सेव मारूंगा देखो ये इमेज भी हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको वही सेम हम फिर से क्या कर सकते हैं, वही दे दूंगा मैं 300 और हाइट दे दूंगा 300, तो हो गया हमारा ऐसा। यार फिर इसको फिर से फिट कर दूंगा, अब फिल्टर क्वालिटी भी हमारे पास, वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसको बॉक्स फिट अब इस कंटेंट कर देते हैं कंटेंट, तो हो गया हमारा। इतना ही, बस इतना ही था इमेज के बारे में। इमेज ये एक नेटवर्क से हो गया और दूसरा असेट से हो गया।
और मेरे पास यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है कंटेनर, तो इसमें भी मैं दिखाऊंगा कि इमेज कैसे लोड करना है। ठीक है, ये आपको रेड कलर दिख रहा हो गया, इसके जगह मैं चाहूँगा कि इमेज आ जाए, ठीक है, असेट इमेज आ जाए। तो देखो, नेटवर्क से लेने के लिए क्या था, इमेज डॉट नेटवर्क, उसी तरह असेट से यहाँ सिस्टम से लेना था तो इमेज डॉट असेट। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन में जाता हूँ कंटेनर के अंदर, और कंटेनर में क्या है, डेकोरेशन है जो कि हमने पहले से ले लिया है, और एक कलर्स को हटा देता हूँ, और इसको बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास इमेज है, और इसको मैं करूँगा इमेज, और इमेज के अंदर क्या है, डेकोरेशन इमेज। तो डेकोरेशन इमेज और डेकोरेशन इमेज क्या ले रहा है, तो ये एक प्रॉपर्टी ले रहा है जिसका नाम है इमेज प्रोवाइडर, और इमेज प्रोवाइडर क्या है मेरे को मालूम नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है टिपिकली दिस विल बी एन एसेट इमेज और नेटवर्क इमेज, तो हमें ये दो लगाना है। ठीक है, तो हम अभी मैं फिलहाल के लिए ले रहा हूँ एसेट इमेज, मैं सिस्टम से लेना चाहूँगा, ठीक है, और एसेट इमेज, और जो मैंने पेस्ट किया था, कॉपी किया था, इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको सेव मारा, देखो वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था किसका अंदर, ये था डेकोरेशन के अंदर, और इसको ये बोल रहा है कास्ट कर दे भाई, तो कास्ट कर दिया, और यहाँ पे पीछे में कमा कमा लगा दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब असेट इमेज के अंदर क्या क्या है, तो बस असेट का नाम था वो दे दिया हमने, डेकोरेशन इमेज के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही है, फिट है और हाइट विथ तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स ये कंटेनर खुद ही है, हाइट विथ की देने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेगा, चेक करते हैं, ऑफ कोर्स बॉक्स फिट डॉट कोवर, देखो ये कोवर हो गया, जैसे कोवर हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे लग गया क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है बॉर्डर रेडियस 10 का सर्कुलर। ठीक है, ये एक हो गया असेट इमेज। उसी तरह मैं चाहूँगा कि नेटवर्क इमेज भी यहाँ पे आ जाए, तो हमारे पास एक और चीज़ है नेटवर्क इमेज, हमें नेटवर्क से लेना है, तो और सेम मैं इसको फिर से सेम कॉपी मारूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट मारूंगा, सेम मारूंगा, देखो वो इमेज वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बस हमारे इतना ही था इमेज में, और ज़्यादा कुछ नहीं था, और तीसरी रह गया कि गेस्टर डिटेक्टर। गेस्टर डिटेक्टर मतलब क्या, आपने वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ लिंक्स होते हैं, सिर्फ हमें उसमें लिंक्स में क्या करना है, क्लिक करना है तो हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे जाना है अच्छा नहीं जाना है। उसी तरह इंकवेल भी वैसा ही है, सेम एक्चुअली दोनों सेम ही है, गेस्टर डिटेक्टर और इंकवेल, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, काम एक ही है पर डिफरेंस क्या है, गेस्टर डिटेक्टर में हम कुछ भी करेंगे ना तो उसमें हमें कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, यानी कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, एनिमेशन टाइप होता है वो कुछ नहीं दिखाएगा, पर इंक्वेल में क्या होता है कि हमें ना एनिमेशन कुछ दिखाता है, रिफल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं रिफल इफेक्ट, तो उस तरफ का एनिमेशन दिखाता है, तो उसको मैं दिखाता हूँ अभी। ये मान लो ये कंटेनर है और मैं कंटेनर को कुछ क्लिक मारूंगा तो कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए मैं डिबग कंसोल खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेस्ट कंटेनर को रैप करता हूँ एक विजेट से जिसका नाम है गेस्टर डिटेक्टर, देखो आ गया, और इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑन टैप, और इसको यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, टैप्ड कंटेनर टैप्ड, यानी कंटेनर को हम टैप करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर को टैप करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं इसको, कंसोल पे यहाँ पे टैप आ गया। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार क्लिक किया, देखो यहाँ दो दिखा रहा है, फिर से मैं क्लिक करूँगा तीन दिखा रहा है, पर हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है मतलब कुछ इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक मार रहा हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये हो गया गेस्ट एडिटर, और गेस्ट एडिटर में बहुत सारे, आपने इंस्टाग्राम चला गया तो उसमें होता है ना, जैसे फोटो को लॉन्ग प्रेस किया तो फोटो जूम होता है, बड़ा होता है, तो सेम वैसा इसमें बहुत भी वैसे ही तरीका की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑन डबल टैप हो गया लाइक करने के लिए, लॉन्ग प्रेस हो गया, उसी तरह है सेम ये है। ठीक है, और गेस्ट एडिटर ख़त्म, उसके बाद आता है इंकवेल, अभी देखो ये इंकवेल भी सेम ही है पर डिफरेंस क्या है, तो अभी देखो मैं इसको क्लिक मारूंगा, इसको हटा देता हूँ, अभी क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे कंटेनर टैब आ गया, अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ यार, इससे पहले ना मैं आपको आइकन वाले दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा नहीं तो नहीं पता चलेगा, और आइकन्स डॉट थम्स अप, और थम्स अप का साइज क्या कर देता हूँ, इसको ना 40 कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखेगा, और कलर्स में कलर्स डॉट ग्रीन किया, इसको कास्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये लाइक बटन आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, रैप करता हूँ,
जिसका नाम है इंक्वेल। इंक्वेल और ऑन टैप पे कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं दिखाना चाहूँगा, ठीक है? तो ऑन टैप में मैं प्रिंट नहीं करना चाहूँगा, तो कुछ छोड़ दूँगा। और इंक्वेल हो गया ये। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे टैप करूँगा ना, आप लोग कुछ एनिमेशन दिखा, यहाँ देखो जैसे मैं टैप कर रहा हूँ ना, तो ये रिपल इफेक्ट, इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, ठीक है? कुछ एनिमेशन टैप का आएगा। तो उसी तरह देखो ये जो कंटेनर है इसमें भी, सॉरी ये क्या हो गया, तो छोड़ो यार। तो ये जो डेटा, ये जो कंटेनर है ना, इसमें भी देखो अगर मैं क्लिक मारा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यार ऊपर ना, अगर जूम करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इफेक्ट है, पर हमें इस कंटेनर पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है। तो डिफरेंस यही है कि अगर मैं कंटेनर को क्या करता हूँ, कंटेनर को हटा के इंक कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं सेव किया, अभी देखो ये इफेक्ट दिखेंगे इसमें भी, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर इसको अभी इंक बोलेंगे, ठीक है? तो अभी देखो जैसे मैंने सेव इंक दिया, अभी देखो रिपल इफेक्ट मस्त दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या है कंटेनर इंक में, ये डिफरेंस है कि आपको दिखेगा जो कि कंटेनर पे आपको नहीं दिखेगा। तो आपको बेहतर होगा कि अगर ज़्यादा चीज़ नहीं, प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, तो आप इंक इंक विजेट वो यूज़ कर सकते हो और उसको ऊपर इंक वेल लगा सकते हो, ठीक है? अभी गेस्टर डिटेक्टर लगाओगे तो नहीं दिखेगा वेबसाइट में आपको। अगर आपको ये सोच रहे हो कि ना मेरे को सिर्फ लिंक चाहिए, ठीक है, जैसे वेबसाइट में होता है ना लिंक, अगर वो आपको सिर्फ लिंक चाहिए तो आप गेस्टर डिटेक्टर लगाओ। अगर आपके लिंक के साथ साथ कुछ एनिमेशन टाइप का चाहिए तो आप इंक वेल लगा सकते हो, ठीक है? तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी था टॉपिक्स। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू एवरीवन।